सो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं जिस पर यहां से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, और यहां से ले सिर्फ 338 किलोमीटर है। मतलब वो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो लोग भी रूम देते हैं, वो सस्ता देते हैं। सो भाई लोग, बहुत जिद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली एक होम स्टे ढूंढ लिया है, हिमालय होम स्टे करके है। तो मतलब जो एवरेज रेट है यहाँ पे आपका, तो गाइस उदयपुर से वापस आ गया पेट्रोल भरा के। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर आ गया हूँ ढाबे में, टांडी पुल वाले। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, आज सुबह से सियापा होने में लगा है ना। तो यहाँ से पेट पूजा करके फिर निकलते हैं जिस्पा की तरफ। तो गाइस खाने में अभी खा रहा हूँ मैं आलू के पराठा, चाय और अचार के साथ। तो आपको एक आध चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी थी, तो मैं ज़रा एक मिनट अचार निकाल लूँ। तो देखो, बात यह है कि अगर आप लोग बजट में आना चाहते हो तो स्कूटी अच्छा ऑप्शन है, बस का भी ऑप्शन है। मुझे बस में आता, स्कूटी इसलिए और सेलेक्ट करी बिकॉज मुझे वीडियो बनानी थी, फोटोज़ वगैरह खींचने का इंटरेस्ट है। तो लेकिन स्कूटी में क्या है कि अगर तुम्हें नई स्कूटी मिल रही है तो बेटर है, पुरानी स्कूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि मेरे को भी। तो आप प्रॉपर चेक करके आओ, मतलब उसकी किक चलनी चाहिए, ठीक है, अगर ठंड में नहीं स्टार्ट हो रही है। और दूसरी चीज़, आप प्रॉपर चेक कर लो कि उसमें जो स्पार्क प्लग है वो ख़राब तो नहीं है, या फिर उसमें कार्बन तो नहीं जमा है, वहीं ठीक करा लो निकलने से पहले। तो ये सारी चीज़ें, और प्लस दूसरा ब्रेक और पेट्रोल, ये सारी चीज़ें पहले से चेक करके आना, कितना एवरेज दे रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर और दूसरी चीज़ ये भी, स्कूटी से आपकी स्पीड भी थोड़ी हल्की हो जाती है पहाड़ों में, ऊंचाई में। तो अगर आपको जल्दी है तो आप बाइक लेकर आना, और थोड़ा सा बफर टाइम हमेशा लेके चलना, आधे दिन का बफर तो हमेशा लेके चलना। स्कूटी से आ रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा रखना, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है ट्रैवल में। तो बस फिर फटाफट खाना खा लेते हैं, इसके वजह से जिस्पा की ओर निकलेंगे। सो गाइस, खाना वाना खाने के बाद मैं जूस पी रहा हूँ, और एक जूस मैंने रख भी लिया रास्ते के लिए, और सनग्लास भी निकाल लिया बिकॉज धूप तेज़ हो गई, और जो वाइट वाइट से स्नो माउंटेन्स है ना, ये चमक रहे हैं आँखों में। तो बेटर कि एक अच्छा सनग्लासेस ज़रूर लेके आ रहा, बस यहाँ से निकलते हैं जिस पर हम अप्रॉक्स एक घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से। हम लोग जस्ट कीलोंग के पास पहुँच गए हैं। ये जो यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, ये लेह को जा रहा है और नीचे वाला कीलोंग की मार्केट को जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि वहाँ से आगे कीलोंग में भी एक पेट्रोल पम्प खुल गया है, तो आपको वापस टांडी की पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही पेट्रोल आपको मिल जाएगा। तो अभी चलो नीचे ज़रा एक राउंड मार के आते हैं कीलोंग की मार्केट कैसी है। यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे। इस लेह वाला जो हाईवे से नीचे उतरना है, और ये रोड भी सीधे हाईवे में मिल जाएगी आगे जाके। तो ये थी कीलोंग की मार्केट, और ये रोड जो है सीधे ऊपर हाईवे में मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ जिस्पा के लिए। अगर आप लोग कीलोंग स्टे करना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, और मार्केट भी काफ़ी अच्छी खासी है, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आई थिंक स्नो के टाइम में तो और भी अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है। तो अभी यहाँ से चलते सीधे जिस्पा, बिकॉज हमें लेट भी हो रहा है, और वहाँ जाके स्टे भी ढूंढना है। गाइस, जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हो, ये है आपकी केलांग से आते हुए, ये वाली केलांग सिटी से होते हुए, और ये जो रोड पीछे से आ रही है ये हाईवे है, ले वाला जो हाईवे है। इतने गजब गजब के व्यूज़ दिख रहे हैं ना, मतलब हर एक मिनट में रुकना पड़ रहा है, मतलब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ मैं इतने अच्छे व्यूज़ कैप्चर करने से, मज़ा आ गया एक नंबर। सो
गाइस जिस पर वो स्टार्ट होने से कुछ देर पहले से ही आपको बहुत सारे कैंप वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कैंपिंग पसंद है, आई थिंक सस्ती भी होगी, तो वो भी आप कर सकते हो, कैंपिंग में रह सकते हो। और ये जैसा कि आप देख रहे हो, अलग ही टाइप के पत्थर आपको देखेंगे रेड कलर के। तो गाइस अब यहाँ से दारचा जो है 9 किलोमीटर है, बारालाचा ला जो है 54 किलोमीटर, सरचू 86 और ले यहाँ से। सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी मंजिल में पहुँच चुके हैं जिसपा यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है और यहाँ से ले सिर्फ 338 किलोमीटर है। तो अब मन कर रहा है कि अब तो यहाँ से सीधा ले ही निकल जाऊँ, क्या बोलते हो? 338 किलोमीटर, दो तीन जगह रुकना पड़ेगा और सीधे ले। स्कूटी वाला भाई परेशान हो जाएगा, स्कूटी बड़ी हार्ड हो रही है भाई। अगली बार तो बाइक से आना, पक्का बाइक से आऊँगा। तो हम पहुँच गए हैं, अब थोड़ी रहने की व्यवस्था देखनी है, होम स्टे का जुगाड़ देखता हूँ कोई बढ़िया मिल जाए, जैसे व्यू भी अच्छा दिखे और थोड़ा उस तरफ हो, ताकि कल हम जब सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज ताल की तरफ निकले तो वहाँ की तरफ थोड़ा नज़दीक हो जाए। बाकी है तो बहुत छोटा सा है, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे आगे हिमालय होम स्टे है, रुको मैं फ़ोन करता हूँ उनको। हाँ मतलब मुझे ऐसा चाहिए सस्ता, एक ही रात काटनी है बस, कल सुबह सुबह निकल जाना है। तो भाई सीन ऐसा है कि अभी जो यहाँ पे टेंट वेंट है यहाँ पे, तो आपको 1200 1300 1500 तक का टेंट मिलेगा। तो जहाँ मैं पहले गया था थोंगथुंग वाले में, वहाँ पे वो 800-900 से नीचे नहीं बोल रहा था, और गीजल वाला रूम 1000 रुपये का बोल रहा था। तो अभी भैया ने यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि इधर एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट करके प्रॉपर्टी है, मतलब वो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो लोग भी रूम देते हैं, वो सस्ता देते हैं। सो भाई लोग बहुत जिद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली एक होम स्टे ढूंढ लिया है, हिमालय होम स्टे करके है। तो बेसिकली ये आपके रोड के जस्ट बगल में ही है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी, कुछ होटल्स देखे। एक्चुअली यहाँ पे एकदम से भर जा रहा है, मतलब इतना डिमांड है, जैसे कि ना सीज़न स्टार्ट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक होटल को छोड़ के मैं दूसरे होटल पूछने गया, जब दोबारा वहाँ आया तो तब तक वहाँ रूम लग गए थे। तो मतलब जो एवरेज रेट है यहाँ पे आपका 800-900, अगर आप दो तीन लोग हो तब तो आपको 1500 का तीन वाला मिल जाएगा, 500 या 1500 सबसे ईजिएस्ट वे। अगर आप सोलो हो तो थोड़ी सी दिक्कत होनी है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर रूम ना वो वैसे बनाए हुए हैं कि ग्रुपिंग वाले टाइप के, और फिर जो होटल्स हैं वो तो फिर अलग ही टाइप के हैं, वो तो फिर एक्सपेंसिव है। ये जो मिला यह मेरे जैसे आपको 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएगा इस टाइप के होम स्टे, जिसमें आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलेगी। तो यही है बस, बाकी 700-800 में भी मिल रहे थे, वो जो आगे था एक आध होटल आगे जो 700-800 में दे रहे थे विदाउट गीजर का भी हिसाब किताब होता है कि अगर गीजर नहीं लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, गीजर के साथ लोगे तो महंगा पड़ेगा। तो ये भी है, बाकी टेंट तो महंगी है, एक जगह मैंने पूछा था 1500 का है, ऐसे ही सारे होंगे 1000-1500 के। तो टेंट से अच्छा तो अपना घर के अंदर रहो तो थोड़ा ठंडा कम लगेगा। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ, और खाना भी नहीं खाया कुछ, खाना पीना इनके रेस्टोरेंट में खाना पीना भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको यार। तो भाई लोग ये है रूम, मतलब सिंगल रूम ठीक है, प्लस गीजर भी है, और क्या चाहिए बस। ये मैं कोशिश करता हूँ मेरे को खिड़की से ना कुछ नज़ारा देखने को मिले। तो ये है एक दोनों तरफ खिड़की, और दोनों खिड़कियों से नज़ारा दिख रहा है, वेरी नाइस। सो गाइस कुछ थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से चल ही रहे हैं बस। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी महंगी हैं, खाने का आइटम और रहने का आइटम दोनों ही बहुत महंगा है। तो अगर आपको और ज़्यादा सस्ता चाहिए, मतलब जैसे ये 4 पीस ब्रेड के 80 रुपये के हैं और 40 रुपये की चाय है, तो थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको सस्ता चाहिए थोड़ा एक आगे चल के ढाबा सा है, वहाँ पे भी जाओ तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा बता रहे थे, बट ठीक है अभी भूख लगी है तो चलेगा। नदी की तरफ आ गया हूँ, और उसकी तरफ तो मैं कल सूरज ताल को जब जाऊँगा तो आपको वहाँ का दिखाते हुए जाऊँगा। एक आध वहाँ पे कोई मॉनेस्ट्री सी थी, एक दलाई लामा का मंदिर था, एक आध चीज़ें हैं आगे, ऐसा कुछ खास तो है नहीं, पर स्टे के लिए है पूरा टाउन जो है, अगर कोई लद्दाख जा रहा है तो। अभी थोड़ा नदी के पास जाके चिल मारते हैं तो चले जाएंगे होटल में अपने, क्योंकि ठंडा भी यहाँ जल्दी हो जाता है एकदम से, देखो ना मस्त ग्लेशियर दिख रहे हैं एकदम। सो गाइस यहाँ पे नदी के किनारे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लूँ, और साथ ही साथ में मैंने टाइम लैप्स भी लगाया हुआ है, एक सामने अमेजिंग सा व्यू दिख रहा है, तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ टाइम लैप्स कैसा आता है, अगर अच्छा आया तो डाल दूँगा। प्लस बाकी यार रिवर बड़ी गंदी कर रखी है लोगों ने यार, मतलब प्लास्टिक की बोतलें गंदगी बहुत ज़्यादा कर दी है, मज़ा नहीं आया, फिर ठीक है क्या ही कर सकते हैं। सुबह बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी, तो मैंने मंगा दिया है आलू जीरा और रोटी, थोड़ा सा खाना यहाँ बहुत महंगा है, बट ठीक है भूख तो लगी है, खाना तो पड़ेगा ही। भैया दो दो करके लाओ ना, ये ठंडी हो जाएगी अभी, रोटी ठंडी हो जाएगी।
चलो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जिस्पा। तो सो गाइस यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं जो कोलकाता से पैदल चल रहे हैं, मतलब कैन यू बीट इट, 2500 किलोमीटर और हावड़ा ब्रिज से काठमांडू तक। और मैं पहुंच गया हूँ सूरजताल।